Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7th history chapter number 8, devotional paths to the divine. This is part 4th. इससे पहले हमने part 3rd तक discuss कर लिया है, बहुत अच्छे से discuss किया है. तो आज हम next discuss करेंगे new religion. ये भी इसके बारे में भी हमने discuss कर लिया था. ये a closer look Kabir. Kabir के बारे में पढ़ने वाले हैं. Kabir, who probably lived in the 16th century, was one of the most influential saint. तो ये 15-16 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली सेंट हुए हैं कबीर. ही वॉज ब्रॉट अप इन अ फैमिली ऑफ मुस्लिम जुलाहा. ये मुस्लिम जुलाहा फैमिली से बिलोंग करते थे. जुलाहा मीन्स वीवर्स. सेटल इन और नियर द सिटी ऑफ बनारस. बनारस के पास ये सेटल हो गए थे. वी हैव लिटिल रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट हिज लाइफ. इनके लाइफ के बारे में हमें बहुत ही कम रिसोर्सेस मिलते हैं. वी गेट्स टू नो ऑफ हिज आइडिया फ्रॉम अ वास्ट कलेक्शन ऑफ अ वर्सेस कॉल्ड अ साकीज एंड अ पार्ड्स. पार्ड्स सेड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हिम एंड संग बाय अ वांडरिंग भजन सिंगर. तो हमें इनके बारे में जितना भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इनके दोबारा रचे हुए राग्स साखीज के द्वारा मिलती है. क्योंकि जो भी वैरागीज वगैरह होते हैं भजन, ठीक है, वो जो वांडरिंग होते हैं, जो इधर उधर फिरते रहते हैं, वो भजन गाते रहते हैं, उनसे पता चलता है इनकी लाइफ के बारे में. भजना से ही इनकी लाइफ के बारे में पता चलता है. सम ऑफ दिस a later collection and a preserved in a Guru Granth Sahib. तो बहुत से जो इनके रचे हुए पाठ हैं उनको ग्रंथ साहिब में भी दर्ज किया गया है. पंचवाणी एंड बीजक इनके फेमस वर्क हैं. तो ये आप देख सकते हो, ये कबीर वर्किंग ऑन अ लूम पे वर्क कर रही है. जुलाहे थे ना, ये देखो, ये उसका काम कर रहे हैं, कपड़े बुनने का काम कर रही हैं. इन सर्च ऑफ अ ट्रू लॉर्ड. वो ट्रू लॉर्ड की सर्च में थे. हियर इज द कंपोजिशन ऑफ अ कबीर. ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बींग, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट ओ लॉर्ड. वाई बम योर हेड ऑन द ग्राउंड. Why bathe your body in water? You kill and you call yourself humble, but your vices are concealed. 24 times the Brahmana keeps the Ekadashi fast, while the Qazi observes the Ramzan. Tell me, why does he set aside the 11th month to seek spiritual fruit in the 12th? Hari dwells in east, they said, and Allah resident is the west. Search for him your heart in heart of you, then he dwells Rahim Ram. यानी कि ये दोनों धर्मों का साझे थे. यानी कि अल्लाह राम दोनों को बोलते थे, सभी बींग्स में है, जो अल्लाह भी राम भी वो सभी एक है, वो एक ही सभी मनुष्यों में है. वो सभी सर्वेंट पे ऊपर मर्सी दिखाता है. वो सब उसके ऊपर जो कर्म कांड है उनके ऊपर इन्होंने थोड़ा सा कटाश किया है. ओके, कबीर्स टीचिंग वर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड वेहमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन. जो जितने भी रिलीजियस ट्रेडिशन थे उनके ऊपर ये रिजेक्शन करते थे इनके जो भी टीचिंग थी. इज टीचिंग ओपनली रेडिकुलस ऑल फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मिन हिंदुज़म एंड इस्लाम. वो जितने भी ब्राह्मिन हिंदुज़म और इस्लाम के जितने भी वो उनका मजाक उड़ाते थे उनके पूजा पाठ करने का. द एमिनेंस ऑफ द priestly classes and the caste system. The language of his poetry was a form of spoken. जो यानी कि जो इनकी poetry की language थी, वो जो हम आम बोलचाल में बोलते हैं वही language वो use करते थे. हिंदी widely understood by ordinary people. जो ज़्यादातर लोग समझ लेते थे हिंदी language में ये लिखा करते थे. He also sometimes used a cryptic language which is a difficult to follow. कभी कभी ये cryptic language भी use करते थे जिसको समझना difficult होता था. कबीर believed in a formless supreme god and preached that the only path to salvation was through a bhakti or devotion. तो वो उनके वो बोलते थे कि हम salvation का path सिर्फ एक ही तरीके से, उस formless जो god है उसको इसी तरीके से ही कर सकते हैं, पा सकते हैं, भक्ति और डिवोशन के जरिए. कबीर ड्रू हिज
फॉलोअर्स फ्रॉम अमंग बोथ हिंदुइज्म एंड मुस्लिम्स. हिंदू और मुस्लिम से अपने फॉलोअर्स को ये ड्रू ही रखते थे, दूर ही रखते थे. अ क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक. गुरु नानक के बारे में हम देखेंगे. बाबा गुरु नानक एज अ यंग मैन इन अ डिस्कशन विद हॉलीमैन. तो ये देख रहे हो, ये जब ये यंग थे तब की ये उनकी पिक्चर दिखाई गई है. वी नो मोर अबाउट बाबा गुरु नानक. बाबा गुरु नानक का बर्थ 1469 में और 1539 में इनकी डेथ होगी थी. दैन अबाउट कबीर से ज़्यादा हमें गुरु नानक देव जी के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. बॉर्न एट तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में, जो आजकल वहाँ पे इनका बर्थ हुआ. ही ट्रेवल वाइडली बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ सेंटर एट करतारपुर. करतारपुर में ये सेंटर बनाने से पहले ये बहुत जगह इन्होंने ट्रैवलिंग की. डेरा बाबा नानक ऑन द रिवर कावी, जो करतारपुर है वो डेरा बाबा नानक ये इनका सेंटर है जो रिवर अराबी के किनारे है. अ रेगुलर वर्शिप दैट कंसीडर ऑफ द सिंगिंग ऑफ हिज ऑन हिम्स वॉज एस्टेब्लिश देयर फॉर हिज फॉलोअर्स. तो इन्होंने अपने ही वर्शिप में बनाए हुए हिम्स थे, भजन थे, जो इनके फॉलोअर्स के लिए बनाए थे. रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर ऑफ फॉर्मर क्रीड कास्ट और जेंडर हिज फॉलोअर्स एट टुगेदर. जितने बिना किसी भेदभाव के, कोई कास्ट जेंडर का भेदभाव किए, इनके जो फॉलोअर्स थे वो एक ही कॉमन किचन का खाना खाते, जिसको लंगर बोला जाता है, एक ही लाइन में बैठते थे. द सेकेंड स्पीच दस क्रिएटेड बाय गुरु नानक देव वॉज नोन एज अ धर्मस्थल. इट इज़ नोन एज अ गुरुद्वारा. तो जो प्लेस इन्होंने बनाया था उसको धर्मस्थल बोला जाता था और उसको बाद में ये गुरुद्वारा बोला गया. ओके, बिफोर हिज डेथ, उनकी डेथ से पहले 1539 बाबा गुरु नानक का अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर एज हिज सक्सेसर. तो ये अपने सक्सेसर को, यानी के सक्सेसर को चुन के गए थे, जिनका नेम था लहना. बट ही केम टू बी नोन एज अ गुरु अंगद. तो उसको बाद में उनको गुरु अंगद देव से नाम से जाना जाने लगा. सिग्निफाइज दैट ही वॉज अ पार्ट ऑफ बाबा गुरु नानक हिमसेल्फ. ऐसा माना जाता है ये बाबा गुरु नानक देव जी का ही पार्ट थी. गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक टू विच ही एडेड हिज ऑन. तो ये गुरु नानक देव जी के जितने भी भजन थे, इन्होंने उनकी क्रिएशन थी, उनको सबको कंपाइल किया, इकट्ठा किया और जो अपने न्यू स्क्रिप्ट बनाई, जिसको गुरुमुखी बोला जाता है. द थ्री सक्सेसर ऑफ द गुरु अंगद देव ऑल्सो रोट अंडर द नेम ऑफ नानक. जो इनके सक्सेसर थे वो भी गुरु नानक के नेम के अंडर ही लिखते थे. एंड ऑल ऑफ देयर कंपोजिशन वॉज कंपाइल्ड बाय गुरु अर्जन. जितनी भी इन सभी की जो इनकी रचनाएं हैं वो कंपाइल की गई गुरु अर्जन देव ने 1604 में. टू दिस कंपाइलेशन वॉज एडेड द राइटिंग ऑफ अदर फिगर लाइक अ शेख फरीद. तो उसके बाद ये जैसे शेख फरीद, सेंट कबीर, भगवत नाम, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर, इन सभी की भी जो रचनाएं हैं वो भी इसमें कंपाइल कर दी गई. 1706 द कंपाइलेशन वाज अथेंटिशिएटेड बाय अ गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर. गुरु तेग बहादुर के बेटे और सक्सेसर गुरु गोबिंद सिंह ने इसको एक अथेंटिसिटी दे दी थी, इस गुरु ग्रंथ साहिब को. इट इज़ नाउ नोन एज अ गुरु ग्रंथ साहिब. अब इसको गुरु ग्रंथ साहिब बोला जाता है और ये होली स्क्रिप्ट है, धार्मिक पुस्तक है सिखों की. ओके, एंड द नंबर ऑफ द बाबा गुरु नानक देव जी फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू द 16th century अंडर ही सक्सेसर. तो उनके सक्सेसर के अंडर जो सिख हैं, गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स हैं, उनकी जो तादाद है वो और ज़्यादा बढ़ गई. दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट आर ट्रेडर्स, एग्रीकल्चर, आर्टिशन एंड क्राफ्ट पर्सन प्रीडोमिनेटेड. तो ये देखो, अलग अलग कास्ट से थे, कोई ट्रेडर था, कोई एग्रीकल्चर कल्चरिस्ट थे, आर्टिशन थे, ये सभी इनके यानी के फॉलो करने लग गए इनके रिलीजन को. दिस मे हैव अ समथिंग टू डू विद बाबा गुरु नानक insistence that he is a follower must be households and should adopt a productive and a useful occupation. वो अपने useful और productive उन्होंने occupation उनके followers ने choose किए. They were also expected to contribute to a journal funds of the communities of the followers. जो journal funds में भी ये सभी contribute करते थे. By the beginning of the 17th century the town of the Ramdaspura Amritsar has developed around the center of Gurudwara.
दोबारा कल हरिमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल। तो 17th सेंचुरी के शुरुआत में रामदासपुरा, जिसको आजकल अमृतसर बोला जाता है, वहाँ पे उसके सेंटर में एक गुरुद्वारा बनाया गया जिसको हरिमंदर साहिब बोला जाता है, गोल्डन टेम्पल भी बोला जाता है। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियन रेफर टू द अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज द स्टेट विद इन द स्टेट। तो क्या है ये वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग एंड मॉडर्न हिस्टोरियन रेफर करते हैं कि ये एक रेफर टू अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी को ये बोला जाता है, ये स्टेट विद इन अ स्टेट, यानी कि ये अलग से सिखों की स्टेट माना जाता है अमृतसर को। द मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज अ पोटेंशियल थ्रेट। जो मुगल जहांगीर थे वो उनको एक पोटेंशियल थ्रेट मान रहे थे उनको, एंड ही ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द गुरु अर्जन देव जी इन 1606। तो इसीलिए उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को 1606 में एग्जीक्यूट करवा दिया था। द सिख मूवमेंट बिगिन टू गेट अप पॉलिटिसाइज्ड इन द 17th सेंचुरी, इसीलिए वो राजनीति में आ गए सिख सभी 17th सेंचुरी में। अ डेवलपमेंट विच अ क्यूलमिनेशन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ खालसा, फिर उन्होंने खालसा पंथ की साजना की गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में। द कम्युनिटी ऑफ द सिख्स कॉल्ड द खालसा पंथ, जो कम्युनिटी है सिखों की उसको खालसा पंथ बोला जाता है, और वो पॉलिटिकली एंटिटी बन गई थी उनकी। द चेंजिंग हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th एंड 17th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द सिख मूवमेंट। जो चेंजिंग हो रही थी हिस्टोरिकल सिचुएशन में 16th और 17th सेंचुरी में, तो उसमें जो सिख मूवमेंट का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ इनकी डेवलपमेंट। तो ये देख सकते हो, ये है अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। द आइडिया ऑफ द बाबा गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो जो गुरु ग्रंथ साहिब में से जो गुरु नानक देव जी के आइडियाज़ हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बिगिनिंग में बहुत इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। ही एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ वन गॉड। तो गुरु नानक देव जी एक भगवान की, एक गॉड की वर्शिप के ऊपर ध्यान एम्फेसाइज करते थे। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट क्रीड और जेंडर वॉज द इररेलीवेंट फॉर अटेनिंग द लिब्रेशन। वो बोलते थे ये जो जात पात और ये जेंडर के आधार पर ही सब कुछ इररेलीवेंट है, ये फ्रीडम, ये मतलब फ्रीडम के लिए, अटेनिंग लिब्रेशन, ओके, इस मुक्ति के लिए, ठीक है। सबको मुक्ति मिलनी चाहिए, यानी कि वो किसी मुक्ति सभी को चाहिए, है ना। हिज आइडिया ऑफ लिब्रेशन वॉज नॉट दैट ऑफ द स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लेस, बट रादर द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ विद अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अ सोशल कमिटमेंट। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म नाम दान इस नान। तो ये नाम दान इस नान फॉर द असेंस ऑफ हिज टीचिंग। तो उनका नाम दान और इस नान, ये उनका बहुत इम्पॉर्टेंट ये टीचिंग है। विच एक्चुअली मैट, जिसका मतलब है राइट वर्शिप, राइट पूजा करो, काम करो, वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों की सेवा करो, प्योरिटी ऑफ कंडक्ट और अपने कंडक्ट को प्योर रखो। हिज टीचिंग्स आर नाउ रिमेंबर्ड एज अ नाम जपना, कीर्त करना एंड वन छकना, विच ऑल्सो अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट बिलीव। बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब उनके जो टीचिंग है वो नाम जपना, कीर्त करना एंड वन छकना के आधार पर रिमेंबर किया जाता है, जो एक राइट बिलीफ है, राइट वर्शिप है और ऑनेस्ट लिविंग पे और दूसरों को हेल्प करने का टीचिंग देता है। थस द बाबा गुरु नानक आइडियाज ऑफ इक्वलिटी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। तो जो गुरु नानक देव जी के थॉट्स थे वो इक्वलिटी को इम्प्लीमेंट करते थे, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन करते थे। दिस माइट पार्टली एक्सप्लेन दैट द डिफरेंस बिटवीन द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बाबा गुरु नानक एंड द हिस्ट्री ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ द अदर रिलीजन फिगर ऑफ द मेडिवल सेंचुरी लाइक कबीर, रविदास एंड दादू, whose ideas were very similar to those of बाबा गुरु नानक देव जी। तो जैसे कि ये गुरु नानक देव, रविदास हैं, दादू हैं, कबीर हैं, इनके भी मेडिवल सेंचुरी में इनके भी जो आइडियाज़ हैं गुरु नानक देव जी से मिलते हैं।
तो मार्टिन लूथर एंड रेफॉर्मेशन के देखते हैं एल्सवेयर में 16th सेंचुरी वाज़ अ टाइम ऑफ अ रिलीजियस फर्मेंट इन यूरोप एज वेल. यूरोप में जैसे कि हमारे इंडिया में भी रिलीजन का कितना ज़्यादा है ना मूवमेंट चल रही थी, भक्ति मूवमेंट चल रही थी 16th सेंचुरी में. यूरोप में भी रिलीजियस फर्मेंट चल रहे थे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द चेंजेस दैट टुक प्लेस विद इन अ क्रिश्चियनिटी वॉज मार्टिन लूथर. मार्टिन लूथर बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को मतलब फैलाना शुरू किया. टुक प्लेस विद द क्रिश्चियन लूथर फेल्ट दैट सेवरल प्रैक्टिसेस इन द रोमन कैथलिक चर्च वेंट अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ द बाइबल. तो उनको जो लूथर ये महसूस करते थे कि जो बहुत सी जो प्रैक्टिसेस हैं जो रोमन कैथलिक चर्च परफॉर्म करते हैं वो बाइबल के अगेंस्ट हैं. ही इनकरेज द यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रादर देन लैटिन ट्रांसलेट एंड ट्रांसलेटेड द बाइबल इन टू जर्मन. लूथर वॉज स्ट्रांगली अपोज टू द प्रैक्टिस ऑफ द इंडल्जेंस और मेकिंग डोनेशन टू द चर्च सो एज टू गेन अ फॉरगिवनेस फ्रॉम सिन. तो ये मार्टिन लूथर क्या बोलते थे कि ये जो लैंग्वेज है कोई भी लैंग्वेज है उसको वो लैंग्वेज ऑर्डिनर पीपलों की लैंग्वेज होनी चाहिए, आम जनता की लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे वो समझ सके. ऐसे एक लैटिन ही लैंग्वेज होनी चाहिए. इसीलिए जो बाइबल है उसको ट्रांसलेट किया गया जर्मन में. और जो लूथर है वो अपोज करते हैं इंडल्जेंस के प्रैक्टिस को. और जो डोनेशन है मेक इंडल्जेंस है यानी कि जो डोनेशन है चर्च को दी जाती है फॉरगिवनेस के लिए अपने पापों के माफ़ी के लिए वो भी गलत मानते थे. हिज राइटिंग्स वर वाइडली डिसमिनेटेड विद अ ग्रोइंग यूज ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस में उनकी जो टीचिंग थी उनके जो आइडियाज थे वो छपने शुरू हो गए. मैनी प्रोटेस्टेंट्स क्रिश्चियन सेक्ट्स ट्रैक देयर ओरिजिन टू द टीचिंग ऑफ द लूथर. तो ये इनके रास्ते पे उन्होंने जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो चलना शुरू कर दिया उन्होंने. तो दिस इज द पेज ऑफ द जर्मन बाइबल ट्रांसलेटेड बाय द मार्टिन लूथर. तो ये जो हमारा चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, हमने अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है. तो आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. गॉड ब्लेस यू.